Hello friends, myself Dr. Naresh Bhati, Director of Well Care Overseas Education. Dosto, jise last video mein humne discuss kiya tha, top 10 universities in Germany. Aur usme se humne ek first university ka already discussion kar chuke hai, Technical University of Munich. Aaj main dusri jo second university hai, uska in detail hum baat karne wale hai, about the university and which all courses this university going to provide you, कौन से course ये university आपको दे रही है. तो दूसरा university का जो नाम है आज जो हम discuss करने वाले हैं उसका नाम है Ludwig Maximilian University of Munich, in short आप बोल सकते हो LMU. और जो LMU है, जो है university, it is situated in the heart of Europe, आप बोल सकते हो जर्मनी नहीं, हम यूरोप की बात करें तो भी हार्ट ऑफ यूरोप में ये म्यूनिक में लोकेटेड है. ये यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी इन द यूरोप, मींस वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी इन द यूरोप. एंड इट इज नॉट अबाउट द 10 इयर्स और 20 इयर्स, इज ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 500 इयर्स दिस यूनिवर्सिटी इज लीडिंग. दूसरा मैं बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो मोर देन 7000 स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एवरी ईयर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. और जो नेक्स्ट मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं इस यूनिवर्सिटी की, तो मोर देन 400 अदर नॉन यूरोपियन कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड मोर देन 400 LMU यूनिवर्सिटी इन कोलाबोरेशन है, पार्टनर यूनिवर्सिटी है. तो उससे स्टूडेंट्स को ये फायदा मिलता है कि जो यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो ज्वाइंट प्रोग्राम रहता है, तो स्टूडेंट को थ्रू आउट वर्ल्ड भी घूमने को मिल सकता है, स्टडी करने को मिल सकता है. एक्सचेंज प्रोग्राम में स्टूडेंट USA भी जा सकता है, कनाडा भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है, UK भी जा सकता है, न्यूजीलैंड भी जा सकता है, और अदर यूरोपियन कंट्री भी एक्सचेंज प्रोग्राम में स्टूडेंट जा सकता है. तो ये खासियत है LMU की. और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या कोर्सेज है LMU में, आप कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो जो फर्स्ट जो कोर्स की बात करूँ तो वो कैथोलिक थियोलॉजी, जो स्पिरिचुअल जो रहता है, जो फर्स्ट जो कोर्स है वो कैथोलिक थियोलॉजी, और सेकंड की बात करूँ तो प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी. ये दोनों थियोलॉजी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स है. फिर अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो लॉ भी कोर्स अवेलेबल है. फिर अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो म्यूनिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट LMU में है, जो वहाँ पे आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स पढ़ सकते हो. फिर अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स के कोर्सेज है. अगर फिर आपको डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, तो मेडिसिन भी अवेलेबल है LMU में. एंड अगर आपको एनिमल्स लवर हो, आप पेट लवर्स हो, एनिमल्स लवर्स हो, तो वेटरनरी मेडिसिन अगर आपको पढ़ना है तो LMU में वेटरनरी भी है. अगर आपको आर्ट्स हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री एंड आर्ट्स कोर्सेज भी अवेलेबल है. अगर आपको फिलोसोफर बनना है तो फिलोसॉफी ऑफ साइंस एंड स्टडी ऑफ रिलीजन भी अवेलेबल है इसको यूनिवर्सिटी में. साइकोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल है. देन अगर आपको इंटरेस्ट है मैथ्स में तो मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है. अगर आप ज़्यादा ही कल्चरल हो तो स्टडी ऑफ कल्चर प्रोग्राम भी इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है. और अगर आपको नई नई लैंग्वेज सीखने का शौक है, लिटरेचर पढ़ने का शौक है, तो लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर्स कोर्सेज भी अवेलेबल है. अगर आप सोशल वर्कर बनना चाहते हो, सोशल एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, तो सोशल साइंस के रिलेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल है. और अगर आपको इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो फिजिक्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है. अगर आपको इंटरेस्ट पर्टिकुलरली इन बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के कोर्स भी अवेलेबल है. और अगर आपको इंटरेस्ट केमिस्ट्री या फार्मेसी में है तो दोज कोर्सेज भी अवेलेबल है. और एट द एंड अगर आपको जेनेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट है तो जियो साइंस एट द एंड लास्ट कोर्स इसमें अवेलेबल है. तो ये सारे कोर्सेज हमने डिस्कस किए LMU यूनिवर्सिटी म्यूनिक में, लुडविक मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक. तो ये यूनिवर्सिटी में ये सब कोर्सेज आप पढ़ सकते हो और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई तक लेके जा सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी. सो आज के लिए इतना ही. आप रखे अपना ख्याल, मुझे दे इजाजत. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.